2 सितंबर 2022 इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन। इस दिन इंडियन नेवी को डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिला। साथ ही साथ इसी दिन इंडियन नेवी के झंडे को भी बदला गया। इस दिन को ऐतिहासिक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इंडिया ने पहली बार स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा है, जिसका नाम INS विक्रांत दिया गया है। INS विक्रांत को कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोस्ट लगा है। INS विक्रांत को बनाने के लिए बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, जिसके कारण इसे बनने में 13 साल का वक्त लगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे INS विक्रांत से जुड़ी सारी बातें, कैसे ये इंडियन नेवी को हेल्प करेगा और कैसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने पर हम चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर कर सकते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात है 1961 की, जब इंडिया ने पहली एयरक्राफ्ट कैरियर UK से खरीदा था। यह रॉयल नेवी का HMS हरकुलस शिप थी, जिसे इंडिया ने परचेस करने के बाद इसका नाम INS विक्रांत दिया था। यह INS विक्रांत 1965 और 1971 के वॉर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इसके मदद से ही इंडिया ने इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया था और वो इस पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। उसके बाद 1997 में यह INS विक्रांत रिटायर हो जाता है। फिर इंडिया ने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सोचा, जिसका डिजाइन 1999 में ही शुरू हो गया था और 2009 में इसका बनना स्टार्ट हुआ। पुराने INS विक्रांत के नाम पर ही इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 1700 क्यू मेंबर को ले जाया जा सकता है। इसमें 88 मेगावाट तक की पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। अब यह कितना होता है 88 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, इसको ऐसे समझिए कि यह एक सिटी को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। INS विक्रांत के अंदर 16 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें सारे मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हुए हैं विद प्रॉपर फैसिलिटी। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दो लेयर है, एक लेयर हैंगर और दूसरा है फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक में 12 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर रखने की कैपेसिटी है और यहीं पर टेक ऑफ और लैंडिंग किया जाता है। हैंगर में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर को रखा जाता है। INS विक्रांत 262 मीटर लॉन्ग और 62 मीटर वाइड है। इसके अंदर 4 टर्बाइन गैस इंजन लगे हुए हैं, जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर और 8600 माइल्स की कैपेसिटी है। INS विक्रांत को 2013 में ही लॉन्च करने की बात चल रही थी, पर किसी कारण से यह डिले हो गया और इसका बेसिन ट्रायल स्टार्ट हुआ 2017 में और फिर 2018 में इसे कमीशन किया जाना था, पर इसका गियर बॉक्स की डिलीवरी डिले होने के कारण फिर इसका कमीशन रोक दिया गया। फाइनली अगस्त 2021 को इसका सी ट्रायल कंप्लीट हुआ और 2 सितंबर 2022 को इसे कमीशन कर दिया गया। अभी तक कुल 10 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से US के पास 11, UK के पास 2, इंडिया के पास 2, चाइना के पास 2 और इटली के पास 2, बाकी ब्राजील, फ्रांस, रशिया, स्पेन, थाईलैंड के पास एक एक एयरक्राफ्ट है। इससे पहले इंडिया के पास INS विक्रमादित्य था, जिसे 16 नवंबर 2013 को रशिया से खरीदा गया था, जिसकी कीमत $2.3 बिलियन थी। और अब INS विक्रांत के आने के बाद इंडिया के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। अब जानते हैं कि कैसे INS विक्रांत के आने के बाद इंडियन नेवी को और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। पहले चाइना और इंडिया जमीन पर ही लड़ाइयां लड़ते थे, जो कि लद्दाख और अरुणाचल के साइड से यह लड़ाइयां हुआ करती थी, पर अभी यह लड़ाइयां जमीन पर ही सीमित ना होकर समुद्र तक पहुंच गई है। समुद्र के माध्यम से चाइना इंडिया को घेरना चाहता है। इसे जानने के लिए आपको चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को जानना होगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा। चाइना का यह स्ट्रेटेजी आसपास के देशों में अपना नेवल बेस बनाना है, जैसे कि सेशेल्स, तंजानिया, केनिया, जिबूती, ओमान, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, मालदीव्स, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट और म्यांमार का यांगोंग पोर्ट में अपना नेवल बेस तैयार कर रहा है, ताकि वो इंडियन ओशन में इंडिया को घेर सके। लेकिन INS विक्रांत के आने के कारण इंडिया अब इंडियन ओशन में दोनों साइड से अपने देश की सुरक्षा कर सकता है।
लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साइड चाइना का पकड़ मजबूत होने से इंडिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि गल्फ ऑफ आडेन, रेड सी, स्वेज कैनाल और मेडिटेरियन सी से होते हुए इंडिया का व्यापार यूरोपियन देशों से होता है। अगर इन रास्तों पे चाइना का कब्जा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया को कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आई नो कि अब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या चाइना के इस स्ट्रेटेजी से इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा, क्या इंडिया के आसपास के देशों से लड़ना पड़ेगा? तो बता दें आपको कि इंडिया ने भी अपना कुछ स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जिसमें इंडिया ने भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए यह स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब होता है मोतियों की माला। तो आप कह सकते हैं कि चाइना ने इंडिया को मोतियों की माला पहनाया हुआ है और इसके एवज में इंडिया ने भी चाइना को डायमंड का नेकलेस पहना दिया है। इंडिया ने भी आसपास के देशों में अपना नेवल बेस तैयार किया है, जैसे कि मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशेल्स और ईरान। इन सब देशों में इंडिया ने भी अपना नेवल बेस तैयार किया हुआ है जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकता है। और इसी के साथ साथ हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा चिटागोंग फोर्ट को भी यूज करने के लिए इंडिया को ऑफर दिया गया है और म्यांमार में भी सितवे फोर्ट को यूज करने का एक्सेस मिला हुआ है। इसी के साथ अब विक्रांत के आने के कारण इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया है जिससे इंडिया इफिशियंटली इस स्ट्रेटेजी को काउंटर कर पाएगा। और रही बात स्थल सेना की, तो उसमें अपनी इंडियन आर्मी है ही चाइना को धूल चटाने के लिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।